चलिए उससे लेके आगे वो आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो और आज हमारे पास है पोको F1 का सक्सेसर ढाई साल के बाद आया हुआ है दोस्तों ढाई साल के बाद पोको X3 जी हाँ दूसरा फोन है पोको की तरफ से आप पूछोगे दूसरा फोन कैसे इतने सारे फोन लॉन्च हुए नहीं दोस्तों वो रीब्रांडेड फोन थे वो रेडमी के कुछ फोन थे कुछ मी के थे जो पोगो के नाम से इंडिया में आ गए दिस वन लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेलाइकन पर जाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं दिस इज रिव्यूअर्स बॉक्स जी हाँ आपको जो मिलेगा वो है ये रिटेल में बट फोन uh, इसके अंदर है स्मूथ एज स्मूथ ए एफ कहूंगा मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेट्स ओपन इट राइट अप फ्रंट इज द फोन है क्या मजाक है हथोड़ा है नो सीरियसली सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूं पता चल जाएगा आपको ओके ऑल राइट वी अ चार्जर थर्टी थ्री वॉट जी हाँ यूएसबी बी टाइप सी केबल और कुछ नहीं है दोस्तों इसके अंदर ये रखते हैं साइड में लेट्स इस बॉक्स के अंदर क्या है ऑल राइट ये लो बॉक्स <laughs> इस बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है ओके okay, इसमें कुछ है ऑल राइट वी हैव डॉक्यूमेंटेशन सिम कार्ड टूल एंड केस यस। गुड क्वालिटी केस अच्छी क्वालिटी टीपीयू केस है क्लियर केस है लेट्स लुक एट द फोन ओ माय गॉड ऑल राइट यूनिक डिजाइन पोको की बड़ी ब्रांडिंग है लुक एट दिस और बीच में आपको

और अगर थिकनेस के बारे में बात करूं दोस्तों दिस इज डेफिनेटली इन डबल डिजीज हंड्रेड परसेंट होगा मेरे हिसाब से तो शायद थोड़ा कम बट इट इज वेरी वेरी थिक एंड इट इज बिग सीरियसली बिग मतलब इन हैंड बड़े हाथ होंगे तो ठीक है वरना छोटे हाथों को बहुत बड़ा लगेगा केस डाल के देखते हैं दोस्तों लेट्स पुट द केस एंड केस इज नाइस वेरी नाइस और अच्छी तरह से ऊपर आती है तो ऊपर से भी गिर गया चलिए मैं ऊपर से गिराता हूं आज <laughs> बहुत ऊपर से गिरा है कुछ नहीं होगा बिकॉज ये इंडेंट्स जो है अच्छी तरह से ऊपर आए हुए हैं पीछे की तरफ नो प्रॉब्लम्स बट ये जो बैक है दोस्तों ये प्लास्टिक लग रही है मेरे हिसाब से नॉट ओनली दैट पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं लेकिन जब मैं इसे दबाता हूं स्लाइटली ये दबता भी है मतलब इट इज गॉट दैट कर्व लुक एट दिस और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि बैक जो है वो प्लास्टिक है बट ये जो फ्रेम है दैट इज मेटल ऑल दो आई डोंट सी एनी एंटेना लाइन्स आई थिंक उसकी वजह से प्लास्टिक बैग होगी एंटेना लाइन्स नहीं चाहिए

ट डव ए डेडिकेटेड एस डी कार्ड स्लॉट दोस्तों टाइम टू स्टार्ट दिस बिग ह्यूज फोन चलिए चालू करते हैं देखते हैं वैसे जब तक चालू हो जाता है दोस्तों अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिए अच्छी नहीं लगती है नो no प्रॉब्लम पूरी अनबॉक्सिंग देखिए लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा एक घंटे के अंदर चलिए दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले 6.67 इंच आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है नो एमोलेड हियर बट इट हैज गॉट हंड्रेड एंड ट्वेंटी हर्ट फास्ट रिफ्रेश माई फर्स्ट इंप्रेशन में डिस्प्ले के पास देख रहा हूं इट इज सफिशियंटली ब्राइट इंडोर्स आउटडोर्स भी आप जाओगे तो इट विल लुक क्वाइट गुड सो डिस उतना ही नहीं दोस्तों गोरिल ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन है आजकल बहुत कम फोन्स में आपको गोरिल ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन मिलता है सो गुड नाइस प्रोटेक्शन HDR 10 का सपोर्ट है फोर फिफ्टी ब्राइटनेस भी है चलिए तो दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में ये आता है एक नए प्रोसेसर के ऊपर जी सिक्स जीबी वन ट्वेंटी एट जीबी वन ट्वेंटी सत्रह हजार से चालू होता है इट गल टू ट्वेंटी थाउजेंड नाइनटीन ट्रिपल नाइन जी हाँ बीच का जो वेरियंट है वो एटीन फोर नाइनटी नाइन मतलब साढ़े अठारह हजार दोस्तों स्टोरेज तो टाइप के बारे में बात करूं तो यू टू पॉइंट वन है एलपीडीआर फोर एक्स रैम है हाईलाइट ऑफ दिस फोन इज इट्स बैटरी दोस्तों की बैटरी आती है एंड चार्जिंग सो बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के मामले में रियली really गुड फिर भी दोस्तों इतनी बड़ी बैटरी होने की वजह से से आपको कम कम डेढ़ पौने दो घंटे तो लगेंगे पूरे चार्ज करने के लिए दोस्तों बात करते हैं बताया एंड इट इज अड बेटर वर्जन ऑफ सेवन थर्टी कुछ फाइव टेन परसेंट से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है लेकिन दोस्तों आपको बोलो लॉन्च इवेंट में उन्होंने तीन लाख दो हजार थ्री लाख के ऊपर स्कोर दिखाया था अंतु का हमारे पास सिक्स जीबी वन ट्वेंटी एट जीबी वेरियंट है एंड इसके ऊपर जो स्कोर आया हुआ इट इज अराउंड टू लाख सेवेंटी थाउजेंड

नहीं मिलेगा सो रियल लाइफ जो परफॉर्मेंस दिया है इस फोन ने जितना भी मैंने यूज किया हुआ है नियरली लास्ट कपल ऑफ आर्स आई टेल यू वॉट

Ads. जी हाँ नहीं है कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स है लेकिन बैंड so really like. uh, में भी मीट ट्वेल्व लॉन्चर ओवरऑल लुक एंड फील नो बैंड एप्स एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन ओ एस फ्रंट चलिए दोस्तों बात करते हैं सेंसर्स के बारे में सभी इनफैक्ट देर इज एन एक्स्ट्रा सेंसर

चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में एंड आई से अगर आप कंसीडर करोगे प्राइमरी सेंसर को तो स्लाइटली डाउनग्रेड है इफ यू कंपेयर इट कमो एक्स टू जी इसमें इसमेंडरी सेंसर आता है एज पोको जो सेकेंडरी सेंसर है दोस्तों कैमरा सेटअप है सेकेंडरी सेंसर जो है थर्टीन मेगा का अल्ट्रा वाइड आता है दो मेगा का डेप्थ है दो मेगा का मैक्रो सेंसर आता है और आगे आपको सेल्फी सेंसर ट्वेंटी मेगा का मिलता है मैंने कुछ फोटोज निकाले दोस्तों बट <laughs> फोटो से भी ज्यादा मैं पहले बात करना चाहूंगा कैमरा ऐप के बारे में एंड मी आई ट्वेल्व का कैमरा ऐप इज रियली गुड नॉट ओनली दैट इट ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यू फीचर्स मुझे बहुत मजा आया इसका जो कैमरा ऐप है वो इस्तेमाल करने में इनफैक्ट आप अगर मोर में जाओगे उधर फ्रंट एंड बैक आपको पता है नोकिया ने निकाला हुआ था या किसी ने निकाला हुआ था कि एक ही टाइम पे आप आगे और पीछे दोनों भी जो कैमराज है वो इस्तेमाल कर पाओगे बोथ ही राइट right, साजिद ने अभी ये जो है नाम नहीं आ रहा था बोथी जो है वैसे ही एक फीचर है वैसे बाकी सभी फीचर्स आपको मिलते हैं 4K 30 FPS एफ वीडियो के मामले में अगर फोटोज की क्वालिटी के बारे में बात करूं अगेन दिस आर माय फर्स्ट अगर आई एम गोइंग टू डू अ फुल रिव्यू ऑफ दिस तो उसके लिए जरूर रुकेगा बट इनिशियल इंप्रेशन क्वाइट डीसेंट है अच्छे आते हैं नॉर्मल कंडीशन में आपने फोटो निकाले तो कलर्स वगैरह भी अच्छे आ जाएंगे बट वेट फॉर आर फुल रिव्यू उसके बाद में मैं सब कुछ बता दूंगा इस कैमरा के बारे में आई विल टेल यू वॉट आई आई विल से धिस इज अपग्रेड टू पोको जी हाँ एक दो चीजों में नीचे है बट पोको एक्स टू का इट इज अ वर्दी अपग्रेड उतना ही नहीं इट इज अनिक फोन इट इज नॉट अ रिब्रांडेड फोन दोस्तों अगर इफ यू डोंट माइंड हैविंग अ बिग हैवी फोन एंड थिक फोन तो मैं कहूंगा एट द प्राइस दिस हैज कम आई लाइक इट मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं इंक्लूडिंग गोरिला ग्लास 5 है आई पी सर्टिफिकेशन मिलता है बारिश के सीजन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैमरा मुझे इसका अच्छा लगा परफॉर्मेंस में अंतुतु स्कोर खराब आ गया बट ओवरऑल जब मैं यूज कर रहा था रियल लाइफ यूसेज जो था आई रियली really liked टिट इवन गेमिंग में स्टीरियो स्पीकर के साथ सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लाइक अबाउट पोको एक्स थ्री स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट लेकिन पोको से एक बहुत बड़ी गुजारिश है प्लीज जो बेस वेरिएंट है नाम के लिए मत लाइए सेल पे यूनिट्स होने चाहिए स्टॉक होना चाहिए ताकि लोग खरीद सके सत्रह हजार में पोको एक्स थ्री दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने सौ पांच सौ सिर्फ स्टॉक रखा और बाकी सब uh, आगे के बेच रहे हो देन दैट not नॉट मेक सेंस इन view at एटलीस्ट दैट्स अबाउट इट दोस्तों अगर पोको x3 के बारे में और कुछ आपको जानना है पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा मैं कोशिश करूंगा सभी के मेरे फुल रिव्यू में जवाब देने की चलिए दोस्तों में इतना ही अगले वीडियो था कीप ट्रैक एंड स्टे सेफ